नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत चौहान आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करोगे तो सीटेट यूटेट में आप 100 प्लस मार्क्स लेकर आओगे 120 प्लस मार्क्स तक। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और आप पूरा देखिए, इसकी मत करिए, आपको पूरा बताएंगे हम। रहिए हमारे साथ, पूरा देखिए इसको। पाठ्यक्रम को देखना है सबसे पहले आपको, सीटेट का पाठ्यक्रम क्या है उस सिलेबस को आपको देख लेना है अच्छे तरीके से। सिलेबस को देख के तब जाके आप इसकी तैयारी में जुटिए। ठीक है, जो सबसे पहले दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है कि जो कठिन विषय है उसे बाद में पढ़े आप, जो कठिन विषय उसको बाद में लेना है आपको। सरल विषयों को इससे स्टार्ट करेंगे तो आपका मन पढ़ाई में बना रहेगा। चलिए, नंबर तीन पे आपको क्या करना है, भाषा वाले विषय जैसे हिंदी हो गया है और अंग्रेजी हो गया है, तो जो भाषा वाले सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि भाषा वाले सब्जेक्ट ही आपके मार्क्स को बनाते हैं। आपकी जो मेरिट है इसमें नंबर जो है भाषा वाले सब्जेक्ट से ही ज़्यादा आते हैं। देखिए, इन पर ज़रूर फोकस रखिए आप। चौथा नंबर है आपका, फर्स्ट पेपर में आपको पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण को विशेषकर ध्यान रखना है फर्स्ट पेपर में। पर्यावरण में, पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 नंबर ला सकते हो। 25 प्लस तो कर ही सकते हैं, 25 प्लस तो पक्का लेके आ ही सकते हो आप। तो पर्यावरण को जरूर याद रखना है, मार्क्स इसमें ये आपका मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है। आता है आपका प्रैक्टिस, आप अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस में बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना है, यानी कि पिछले साल के जितने भी पेपर है आपको उन्हें सोल्व करना है, हल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हमने कहा वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस पेपर से आपको सिलेबस के साथ साथ आपको पता लगता है कि पेपर किस प्रकार से बना रहा है, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हो आप। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर हल करने हैं। आप ज़्यादातर इसके क्या कर सकते हो, आप सेट भी लगा सकते हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ले आइए और वहाँ से आप इसको रोजाना प्रैक्टिस में ले आइए। चलिए, इसके बाद है हमारे पास अपनी पढ़ाई में तत्परता बनाए रखना है, यानी पढ़ाई में तत्परता का मतलब यह है कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आपने एक दिन तो करिए 8 घंटे पढ़ाई और दूसरे दिन नहीं करिए आपने 2 घंटे पढ़ाई, तो आपको अपनी पढ़ाई को तत्परता बनाए रखना है। यदि आप कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो कंटिन्यू 2 घंटे ही पढ़ाई कीजिए, आप उसको छोड़ना नहीं है बीच में। तो ये होती है तत्परता, जब आप तत्परता बनाए रखोगे तो 2 घंटे से भी आपके यदि कंटिन्यू करोगे तो 2 घंटे ही बहुत है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में नंबर आता है आपका, अपनी बीएड डीएलएड की किताबों का अध्ययन जरूर करें। तो यदि आपने जो भी किया होगा दोस्तों, बीएड किया है तो बीएड, डीएलएड किया है तो डीएलएड, तो आपने जो भी एजुकेशन से संबंधित डिग्री हासिल किया है या डिप्लोमा हासिल किया है उसकी किताबों का अध्ययन जरूर करें। ये विशेषकर क्योंकि सारा जितना भी सीटेट और यूटेट की जो पैडागोजी आती है उस पैडागोजी में यही पूछा जाता है, आपके बीएड और डीएलएड में जो आपको पढ़ाया है वही आता है। तो इसलिए आपको इसको ज़रूर अध्ययन करना है। और लास्ट में मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप सभी पास हो जाए, और हम इस चैनल पर सीटेट की तैयारी भी कराएंगे,